नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैंने अगला वीडियो में मैं डाइवर्जेंस कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है, डाइवर्जेंस क्या है और डाइवर्जेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें उसको आप लोगों को दिखाया। अभी मैंने ब्रेकआउट दिखाना चाहता हूँ और ये जो डाइवर्जेंस आप लोग दिख सकता है, इधर 100 का स्टॉक में एक ही दिख सकता है आप लोग, कमोडिटी बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी भी स्क्रीनर पे देख सकता है। पॉसिबल ब्रेकआउट मैंने पहले दिखाया था, फिर भी एक बार दिखाना चाहता हूँ। देखिए इधर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 30 डेज का और एटीआर है 14 पीरियड का, तो इसका देखिए ये एटीआर जब ETR को वोलेटिलिटी मान जाता है, इसको आप लोग कैसे टारगेट स्टॉप लॉस सिलेक्ट कर सकते हैं, में काम पे लगा सकता है, वो भी मैं वीडियो में चर्चा किया था। तो अभी ये देखिए ETR, इसको ETR इतना है, स्टैंडर्ड डिवीजन इतना है और ETR इतना है। तो ETR जब कोई नीचे आएगा और एक नैरो रेंज में ट्रेड करेगा और बहुत नैरो रेंज में ट्रेड करेगा तो उधर पॉसिबल ब्रेकआउट किसी भी जगह पॉसिबल ब्रेक, मतलब वो हम लोग ब्रेक को जब ऊपर होता है वो ब्रेकआउट बोलता है और जब नीचे जाता है तो ब्रेकडाउन बोलता है। तो इधर देखिए इसमें पॉसिबल ब्रेकआउट हो सकता है, इतना सारा स्टॉक में तो पॉसिबल ब्रेकआउट हो सकता है क्योंकि ये 90% के कम है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका 90% से भी कम है इसका ETR। तो इसका मीनिंग है ये ETR नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो मैंने आप कोई भी देख चुन लीजिए इधर चार्ट में, देखिए MACD फ्लैट हो गया लेकिन प्राइस ऊपर ही जा रहा है, RSI भी फ्लैट चल रहा है लेकिन प्राइस ऊपर ही जा रहा है, इधर एक पॉसिबल ब्रेकआउट हो सकता है। मैंने ETR को लगा रहा हूँ, ठीक है, ETR लो हो गया, इसका ETR लो चल रहा है, यह 41 देगा वो जस्ट थोड़ा सा ही आप लोगों को डिफरेंस आएगा, इधर 43 आ रहा है, इधर RSI देखिए, RSI इधर 66 में है, इधर 72 होगा शायद, कैलकुलेशन एक ही है लेकिन वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा तो इसका, लेकिन इसको कैलकुलेशन करके बनाया गया है। अब देखते हैं इसको पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव हो सकता है, तो इसके लिए MACD को कीजिए, RSI को स्क्रीन कीजिए और EMA क्रॉसओवर को कर लीजिए और देखते हैं बोलिंजर बैंड का क्या पोजीशन है। ये देखिए बोलिंजर बैंड का मिडिल बैंड का ऊपर कर लीजिए, तो इसमें आप लोग स्क्रीन करके छाट ले सकते हैं कौन सा में पॉसिबल ब्रेकआउट हो सकता है। ये आप फिर भी और भी स्क्रीनिंग कर ले सकता है, इसको बहुत सारे तरीके से स्क्रीन किया जा सकता है। स्टोकास्टिक को भी कर लेते हैं, यार भी कम हो गया। अब लोगों कुछ सिलेक्टेड स्टॉक के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसको इसीलिए जितना कम हो 5-10 इतना सारा स्टॉक में, ज़्यादा स्टॉक में ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा नहीं होगा तो आप लोग ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे, उसका कोई मायने नहीं रखता।
इसको सोच लीजिए।